वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम डिस्कस करेंगे पिजन के बारे में कि पिजन क्या है इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है और फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिजन पिजन को हम जो है तो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज भी कहते हैं अ ऑफ लैंग्वेज क्रिएटेड फॉर अ वेरी प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट purposes ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु अदरवाइज वुड हैव नो कॉमन लैंग्वेज तो हटसन अपनी बुक में कहते हैं कि पिजन एक वायटी ऑफ लैंग्वेज है जो कि एक शॉर्ट इमीडिएट पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है तो पिजन वो लैंग्वेज है जो कि एक प्रैक्टिकल और इमीडिएट पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पिजन इज ऑफन ट्रेड therefore they are also called trade languages और जो most common reason होता है pigeon को create करने के लिए या pigeon के formation के लिए वो trade होता है for example एक country से लोग आते हैं दूसरी country में trade करने के लिए लेकिन उनके दरमियान एक common language नहीं होती तो फिर वो लोग ट्रेड करने के लिए उस स्पेसिफिक पर्पज़ को अचीव करने के लिए वो एक लैंग्वेज डिवेलप करते हैं जिसको पिजन कहा जाता है इट इज़ क्रिएटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ़ कम्युनिकेशन विद अदर ग्रुप्स और एक और परपज़ प्रिजन को क्रिएट करने के लिए यह होता है कि आप एक दूसरे ग्रुप से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इसका मकसद कम्युनिकेशन या कोई और मकसद भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि पिजन जो है तो सिर्फ फॉर ट्रेड ही के लिए क्रिएट की जाए बल्कि आप एक दूसरे ग्रुप को जो है तो अपने थाट्स कन्वे करना चाहते हो तो उसके लिए भी प्रिजन जो है तो वो क्रिएट हो सकती हैं माइग्रेंट वर्कर्स इन जर्मनी हैव डिवेलप पिजन डिवेल्पराइटीज दे तो हमारे पास इसकी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल मौजूद है कि जब जर्मनी में माइग्रेंट वर्कर्स को लाया गया तो उन लोगों ने अपनी एक पिजन वेरायटी डिवेलप की इन केस ऑफ कॉलोनाइजेशन वेयर द कलोनियल पावर नीड्स टू कम्युनिकेट विद द कॉलोनाइज और जब कोई कॉलोनियल पावर किसी कंट्री को कॉलोनाइज करती है और उनके दरमियान कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती कम्युनिकेशन करने के लिए तो वहाँ भी हमारे पास पिजन लैंग्वेज डिवेलप होती है और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद है अब पिजन जिस प्रोसेस से फॉर्म होता है उस प्रोसेस को पिजनाइजेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पिजन इज कॉल्ड पिजनाइजेशन फिर इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो है एडमिक्सचर एडमिक्सचर में हमारे पास ये होता है कि जो डिफरेंट वेराइटीज़ है वो मिक्स हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज़ किया अब उसमें हमारे पास जो है तो एक कॉलोनाइजर की लैंग्वेज है और दूसरी जो है तो वो कॉलोनाइज की लैंग्वेज है जिन लोगों ने कॉलोनाइज किया है तो वो लोग डोमिनेंट ग्रुप है तो उनकी लैंग्वेज भी डोमिनेंट होगी जो जो लोग कॉलोनाइज हुए हैं उनकी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज जो है तो वो डोमिनेंट नहीं है वो सबोडिट लैंग्वेज है तो वो डिफरेंट वरायटीज़ जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं द दैराइटीज़ आर मिक्स टुगेदर

इट विल बी सप्लाइड बाय द सबॉर्डिनेट वेरायटी और जो लोग सप्रेस हुए होंगे या जिनकी वेरायटी जो है तो सबॉर्डिनेट होगी तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और जो दूसरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो उन लोगों की यूज़ होंगे लेकिन वो केबलरी जो है तो वो डोमिनेंट ग्रुप से आएगी फिर सेकंड स्टेप हमारे पास इसमें है रिडक्शन द वेरायटी इज रिड्यूस टू अ पर्टिकुलर पर्पज फॉर एग्जाम्पल ट्रेन फिर दोनों वेराइटी मिक्स हो गई आपस में टीक है फिर उसमें रिडक्शन होगी यानी कि उस वेरायटी को उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए सूटेबल बनाया जाएगा अगर पिचन के क्रिएशन का पर्पस जो है तो वो ट्रेड है तो उस लैंग्वेज को ट्रेड के मुताबिक मॉडिफाई किया जाएगा फिर थर्ड स्टेप हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन अब सिम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि पिचन देखिए पिचन हमारे पास एक सिंपल लैंग्वेज होती है टी गेम अब इस ये एक इमीडिएट पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है तो इसलिए इसका सिंपल होना ज़रूरी है तो सिंप्लीफ़िकेशन में क्या होता है कि ये वेराइटी और भी सिम्प्लीफाई हो जाती है इट इज़ सिंप्लीफाइड इन टर्म्स ऑफ मार्फॉलोजी इन्फ्लेक्शन मॉफीम्स आर रिमूवड मार्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि जिस तरह हमारे पास प्लूल बनते हैं या प्रीफिक्स सफेक्स उसको हम स्टडी करते हैं तो जो पेजल लैंग्वेज है उस उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी काफ़ी सिम्पल होती है उसमें यह मॉफीम्स वगैरह नहीं होते यानी कि उसमें प्रीफेक्स सफेक्स या प्लूल ये केसेज जो है तो उसमें नहीं होते हैं क्योंकि वो एक सिंपल वेराटी है फोनोलॉजी ये भी सिम्प्लीफाई होती है इसका सैंटेक्स जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वह भी काफ़ी सिंपल होता है तो पिजनाइजेशन से गुजरने के बाद हमारे पास पिजन बन जाती हैं। अब अगर हम पिजन की एक एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास टॉक जो हैं तो ये पपुआ यूगीना में जो है तो ये क्रिएट हुई थी एज अ पिजन लैंग्वेज और इसमें जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी तो वो इंग्लिश थी और इसमें जो हमारे पास जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी तो वो इंग्लिश थी इंग्लिश इज़ द डोमिनेंट और द लेगजिफायर लैंग्वेज ठीक है लेग्जीफायर लैंग्वेज का लेग्जिफायर लैंग्वेज का मतलब यह है कि वो लैंग्वेज जो कि वो कैबले सप्लाई करती हैं तो यहाँ पे एक मिस्टेक है इंग्लिश इज़ द लेगजिफायर और द डोमिनेंट लैंग्वेज ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है टॉकपिशन में हमारे पास है बाई मी नो लुक मी ठीक है अब इसकी प्रोनान्सीशन इस तरह नहीं है जिस तरह की मैंने की क्योंकि उसमें जो प्रोनान्सीशन है तो वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं तो इसका ये ट्रांसलेट होता है हमारे पास ही विल नॉट सी मी देखिए ये, ये दोनों कितने डिफरेंट हैं आल दो कि इसमें इंग्लिश की वो यूज़ हुई है लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है अब इसमें जो बाय है है बाय एंड बाय और ये एक एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है फ्यूचर टाइम के लिए जिस तरह के हमारे पास इंग्लिश में विल यूज़ होता है तो यहाँ पर बी आई बाय यूज़ हुआ है फ्यूचर टाइम के लिए फिर इम जो हैं तो ये हिम हैं इंग्लिश में और ये ही के लिए यूज़ हुआ है फिर आई है तो आई जो है तो ये यूज लाइक सफेक्स विद वर्म अब देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें इन्फ्लेक्शन मॉलफीम्स नहीं होती तो फिर सफ़ेक्स के लिए हमारे पास एक इंडिविजुअल टर्म यूज़ हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे आई देख सकते हैं तो आई एज अ सफेक्स यूज़ हुआ है वर्ब के साथ फिर ये लुक है तो लुक मींस और यहाँ पे इसका मतलब है सी इम जो है तो इम का मतलब यहाँ पे हिम है और मी जो है तो ये मी है फॉर मी देखिए यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है थोड़ी सी सिमिलरिटी इसमें है जैसे कि लुकिम है तो लेकिन लुकिम ये भी डिफरेंट है अब टॉकपिसिन जो है तो अब टॉक्पिसिन हमारे पास पिजन नहीं रही बल्कि अब इसने क्रियोल का स्टेटस एक्वायर कर लिया है तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रियोल कि क्रियोल किस तरह बनता है किस तरह एक पिजन जो है तो वो क्रियोट में तब्दील होती है और फिर हम क्रियोल कंटिन्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रियोल कंटिन्यूम डिक्रियोलाइजेशन उसको भी मैं डिस्कस करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं